वेलकम बैक गाइज, तुम सबका मेरे एक न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो पे। एंड गाइज, आज की इस वीडियो पे ना मैं ज्वाइन करता हूँ श्री का सर्वर। अब ऐसे ही नहीं यार, श्री ने मुझे इनवाइट किया था उसके सर्वर पे ज्वाइन करने के लिए। मैं तो भाई पहले सोचता हूँ वो मुझे बुलाते क्यों है। वो ऐसे ही नहीं बुलाते क्योंकि उसका जो वो वर्ल्ड है ना, वहाँ पे कोई भी नहीं खेलता है, मैंने आज तक देखा नहीं है। वो तो बोलते कि यहाँ पे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स खेलते बट कोई नहीं खेलता है। तो मैं इस बात पे शौक हूँ उसने मुझे क्यों बुलाया। मैं ये इंट्रोस वीडियो के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। उसने मुझे बुलाया वहाँ पे एक्चुअली मुझे बुली करने के लिए एंड मेरे साथ थोड़ा स्कैम करने के लिए। तो यार तुम सबको भी पता है यार मैं क्या चीज हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसी का स्कैम उसके ऊपर फेंक के मरता हूँ। एंड मैंने इस सर्वर के अंदर फिर से इंस्टॉल कर दिया है सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरा से श्री का बहुत सारा सीक्रेट है जो आज रिवील होने वाली है, जो आज तक रिवील नहीं हुआ है। मैं वो सारा सीसीटीवी उसके घर पे सीक्रेटली जाके इंस्टॉल करता हूँ एंड वो चीज ना उसको पता ही नहीं चलती है। तो हाँ गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सही में बता रहा हूँ तुम सबको बहुत ज्यादा ही मजा आने वाली है। तो चलो अभी फटाफट ज्वाइन करते श्री के सर्वर पे। यार बहुत दिन हो गया, पता नहीं सबको क्या ही दिक्कत है मेरे से सब जलते हैं शायद। मतलब इतना प्रो हो गई हूँ ना मैं आजकल, क्या ही बोलूँ। मेरे को तो मतलब मेरे साथ खेलने से लोग डरते हैं या फिर जलते हैं, जो भी है यार। अब तो मैंने इंसेक्ट को भी बुलाया है, लो कोई बात नहीं उसके ही मजे लेंगे। ये जो आलिशान घर वगैरह मैंने बनाया है ना, श्री ने मुझे बुलाया तो कोई बात नहीं यार, चलो हम लोग ना ज्वाइन करते उसके सर्वर पे। पता है ये क्या विलेज है भाई, विलेज पे उसका वर्ल्ड स्पॉन है और ये तो एबंडेंट विलेज है ना। ओके अच्छी बात है यार, और यहाँ पे ये तो ब्लैक स्मिथ है। चलो 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 भाई साहब, पहले तो हम लोग गाइस ब्लैक स्मिथ के घर पे गाइस हम लोग कुछ लूटते। ये देखो क्या कुछ मिल गया मुझे, इंसेक्ट। अरे यार ये तो आ गया ये। एंड चलो यहाँ पे फटाफट अभी हम लोग ये आर्मर पहन लेते हैं, वैसे नीचे का ये कोई बात नहीं गाइस। चलो देखते श्री ने मुझे किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया। वैसे मेरा आज तो कुछ प्लान नहीं यार उसके साथ ट्रोल करने का, उसके साथ प्रैंक करने का। बस मैं देखना चाहता हूँ कि उसने मुझे क्यों बुलाया। घर कहाँ पे है? ओए ये इसका घर है भाई। हेलो, सीधे सीधे आजा भाई। आ गया भाई, मुर्गा नहीं मतलब दोस्त आ गया मेरा। ये इसका घर है। अरे ये दिख चुकी है, तू दिख गई मुझे भाई। क्या आलिशान, और दो दो घर इस सर्वर पे, और भी कोई खेलता है क्या? ये घर क्या, अच्छा अच्छा ये विलेजर का, ये विलेजर का घर है। तो बता क्यों बुलाया मुझे। तो बताया क्यों बुलाया मुझे, मेरे साथ खेलने बुलाया। भाई सब तुम कैसी घर देख रहे हो, भैंस की टांग। देख मैंने तुझे इधर मेरे साथ खेलने बुलाया। अच्छा तू और खेलने, अच्छा तू और खेलने। हाँ? अरे यार ये सब बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है। सुन मेरे साथ अगर खेलना है तो क्या, पहले मेरी बातें सुन ले। हाँ भौंक भौंक। नहीं मारने का नहीं, भैंस की मारूंगा ना। तो भौंक क्यों बोला तूने? क्योंकि तू कुत्ती है ना इसलिए। रुक, मेरे को गुस्सा मत दिला। देख मैंने तुझे बुलाया इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगा। हा? क्या बोल रही है, मतलब क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ भाई। इसने बोला ये विलेजर का घर है, मुझे तो लग रहा है ये भाई विलेजर बाहर घूम रहा है, इधर तो भाई ये पिगलिन घूम रहे भैंस की। मैं जानती हूँ तेरे में बहुत ज्यादा वाली खुजली है, हैं? तो कुछ रूल्स बनाई है, सुन ले पहले। अच्छा ऐसा क्या, क्या रूल बनाई है, बोल जरा। अच्छा बोल जरा तेरा रूल्स क्या है। ओके चलो अब तो मजा आने वाला है। तू मेरे साथ कोई भी प्रैंक या मेरे सामान को मेरे मर्जी के बिना मत लेना, अदरवाइज You will ban। धमकी दे रही है ना। अब भैंस की वैसे भी ये वो वर्ल्ड हार्ट कोर है तो मुझे थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, बट ना मार देगा ना फिर गाइस आने का फायदा क्या होगा। मेरे को रूल मत समझा ठीक है, चुपचाप सुन ले बे। पॉइंट नंबर टू, मेरे सर्वर का कुछ रूल है, यहाँ पे तुम किसी भी घर से कुछ भी नहीं चुरा सकते। यार ये तो खुले आम मतलब बदतमीजी की भी हद होती है यार। बुलाया मेरे को बुला के ही भाई, मेरे को थ्रेट दे रही है लड़की। सही में इसकी बात तो सुन के चलनी पड़ेगी अगर इस वर्ल्ड में खेलना है तो, अगर नहीं करो तो बैन कर देगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है मैं देखता हूँ कौन बैन होता है किसका क्या होता है। नहीं चुराऊंगा मैं कुछ ठीक है, चुपचाप सुन ले बे, नहीं तो अभी बैन कर दूंगी। ओके गाइस सुननी पड़ेगी इसकी बातें, सुननी पड़ेगी। और ये मेरे को भाई पूरा थ्रेट दे रहा है ना, तो भाई रुको इसके ना गेम बजाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा शांत दिमाग था और मेरे दिमाग को अगर कोई गुस्सा दिलाता है ना तो भाई उसकी ना मैं पुंगी बजा देता हूँ, तुम सबको भी गाइस पता है। तो ये मेरे को धीरे धीरे गुस्सा दिला रहा है और मैं धीरे धीरे लाल होते जा रहा हूँ गुस्से से। अगला रूल, मेरे एरिया में मैं माइनिंग मेरे विलेजर को यूज करने ये सब नहीं चलेगा। बट तुझ जैसे गरीब को कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी।
बट चुराना नहीं, बेइज्जती कर रहा है यार। ओके, बहुत बड़े बड़े रूल्स है, पता नहीं इसका दिमाग में घुस भी रहा है क्या। नहीं, एंड लास्ट नॉट लीस्ट रूल है कि मैं प्रो हूँ एंड तू नू, तो मेरे से डर के औकात में रहना। ज्यादा नहीं बोल रही है भैंस की भाई। इस यहाँ पे देखा तुमने क्या लिखा कि लास्ट रूल ये है कि वो प्रो है मैं नोबू, तो मुझे उससे डर के रहने का है और औकात में रहने का है। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, छोटी सी मुंह पे इतनी बड़ी बात भाई किसी को सुभा नहीं देता, समझ रहे हो तुम। तो ना कुछ गेम बजानी पड़ेगी। एक सेकंड यार, मेरे पे ना गाइस एक क्यूरियोसिटी आ रही है। इसने इतना बड़ा हाउस बनाया, हाउस बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। एटलीस्ट उस बंदे के पास डायमंड आर्मर तो होगा ना, विलेजर का घर, इतना सारा कुछ ग्राइंडिंग एंड ऑल। अच्छा सुन ना, तेरे पास आयरन आर्मर क्यों है यार भाई? इतना बड़ा सा घर बना के ये सब करके सिर्फ आयरन आर्मर, भाई मेरे को ना विश्वास नहीं हो रहा है। अब क्या ही बोलूं, पीछे का घर बनाते बनाते सब बेच दिया, अब मैं गरीब हूँ। मुझे तो भाई यहाँ पे लग रहा है ना कि यहाँ पे ना कुछ घोटाला है भाई, मुझे सही में लग रहा है। पीछे का घर बनाते बनाते सब बेच दिया, अब मैं गरीब हूँ, लोन बेचती। बट गाइस तुमको क्या लग रहा है, मैं ये हंस रहा हूँ, मैंने उसके बातों पे विश्वास कर लिया। ये श्री है, ठीक है, ये श्री है, तुम नहीं जानते हो ये कितनी बड़ी हरामी। देखो मैं उसको गाली नहीं दे रहा हूँ, बट मैं सही में बोल रहा हूँ, वो बहुत चालू लड़की है। वो तुम्हारे सामने ऐसे करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ रहता है। वो लोगों को दिखाता है कि वो गरीब है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो मैं हंसा ना उस बात पे कि ये फिर से वैसा कर रही है। तो गाइस देखो, अभी मेरे दिमाग पे घंटी बज चुकी है, तुम पूछो क्या। गाइस देखो, तुम सबको पता है जो अपना श्री है ना, वो बस नूब है ना, बकबक बहुत करती है, उसकी मुंह ज्यादा चलती है, उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता। तो दिमाग किसका ज्यादा चलता है? गेमिंग इंस्ट्रक्टर का। मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं उसी के वर्ल्ड के अंदर ना सीसीटीवी लगाने वाला हूं, क्योंकि मुझे जानना है कि अगर वो इतना ही गरीब होगी, आयरन आर्मर में घूमेगी, इसने इतना सारा बड़ा हाउस क्या बनाया है, और इसने यहां पे रूल भी बताया कि उसके घर के अंदर मैं नहीं घुस सकता उसके परमिशन के बिना। इसका मतलब उसके घर पे यार कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज होगा ना जो वो मेरे को नहीं देना चाहती है। सोया मैं गाइस फिर से वही सीसीटीवी मॉड श्री के सर्वर पे इंस्टॉल करने वाला हूं, जो मैंने संज मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के सर्वर के अंदर इंस्टॉल किया था। वो चीज को ना मैं फटाफट यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, वो मॉड को सीसीटीवी मॉड में इंस्टॉल करके मैं ऐसा चीज करने वाला हूँ ना, जिससे अगर श्री के पास अगर बहुत ही महंगा महंगा सामान होगा ना, वो सब चीज मैं चोरी करने वाला हूँ सीसीटीवी इंस्टॉल करके। और हाँ गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो नीचे, क्योंकि हम लोग गाइस 400K के बहुत ज्यादा पास है। जल्दी से 400K कर दो यार, अभी फटाफट हम लोग मॉड को इंस्टॉल करते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे सीसीटीवी मॉड इंस्टॉल कर दिया इसके सर्वर पे, एंड भाई मुझे ना अभी जाके इसके घर के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। ओके, कोल के बदले एमराल्ड दे रहा हूँ, उधर तो कुछ कोल था, रुको देखती हूँ मैं। आजकल के विलेजर्स भी ना मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए हैं, इंसेक्ट इधर आसपास क्यों घूम रहा है। विलेजर्स सुन 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 सुन, डर्ट के बदले डायमंड मिलेगा क्या? पहले तो गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, इसके यहाँ पे लगाता हूँ गाइस एक सीसीटीवी, फिर इसको एक्सेस कर लेते हैं हम लोग। एंड गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, बैरियर ब्लॉक। अब तुम सोच रहे हो बैरियर ब्लॉक क्यों यार, पिछली बार जैसे संज ने आके कैमरा तोड़ दिया था, तो मैं इस बार कोई भैंस की टांग मौका नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं इस बार पूरा इसको ढकने वाला हूँ चारों तरफ से ऐसे करके बूम बाम। एंड अगर मैं यहाँ से देखूँ सो या ये देखो ना, तो सीरीज को तोड़ सकती है एंड मैं पूरा क्लियर व्यू भी ले सकता। Yes. यार ये मेरे को इग्नोर कर रहा है क्या? यार ये तो अकेले अकेले खेल रहा है भाई, ऐसे थोड़ी मतलब इसके लिए थोड़ी बुलाया था। मैं घर बना रहा हूँ, खुद का डिस्टर्ब मत कर, चलो कोई बात नहीं, बनाने देता है। गाइस यार ये ना अपने घर के बाहर जा ही नहीं रही, पता नहीं यार इसका घर के अंदर क्या है वो ना मुझे जानना है। और वो एक सेकंड वो तो कहीं पे जा रही है। ओके जा रही है, एंड यही मौका है मुझे उसके घर के अंदर घुसना है, एंड घुस के पूरा भाई चारों तरफ ना मैं सीसीटीवी लगाने वाला हूँ। एक तो गाइस उसके डाइनिंग पे मैं लगाने वाला हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ गाइस, यहाँ पे ना पता नहीं चलेगा उसको। एंड चलो इसको हम लोग बैरियर ब्लॉक से ढक दे, अभी नहीं तोड़ सकती है कैसे भी, उसको दिखेगा बट वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। यस ब्रो, आई एम सो जीनियस। एक इस जगह पे लगा देता हूँ, यहाँ से मुझे आगे का पूरी की पूरी व्यू मिल जाएगी। गाइस इसके रूम के अंदर सारा सीसीटीवी तो इंस्टॉल हो चुका है, घर के अंदर भी है, यहाँ पे गाइस बालकनी पे गाइस एक सीसीटीवी है जो मेरा पूरा काम करेगा, चारों तरफ नजर रखने वाली है। यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, यहाँ पे ना क्या खजाना यार उसने रखा है। ओ गोल्डन एप्पल, लेट्स गो सम गोल्ड। शिट शिट शिट, श्री आ चुकी, श्री आ चुकी, चलो घर चलते हैं।
व्हाट रूल्स तोड़ रहा है तू? हाय, तेरे को ढूंढने आया था। नहीं, भागो यहाँ से। रूल्स तोड़ रहा है। अरे मैंने कोई रूल्स नहीं तोड़ा। घर में कैसे घुस गया? हाँ सही है, फिर इसका मतलब लिया कुछ नहीं, चलो बच गया। नहीं तो अभी जाता, अभी मैं बस किक वाले बटन में दबाने ही वाला था मैं अभी के अभी। ओ शिट 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 भाई, यार वो आ कैसे गई मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो मुझे एक जगह पहले तो ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं छुप के देख सकता हूँ। एंड बूम, अभी मैं पूरा व्यू ले सकता हूँ यहाँ पे। मेरे को वैसे ढूंढ क्यों रहा था, तेरे को कहाँ ढूंढ रहा था मैं तो एक्चुअल में यहाँ पे तेरा घर पे चोरी करने के लिए आया था। मुझे ना सीसीटीवी के यार थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा, वरना मैं इतना दूर में ना मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ गाइस। तो मुझे ना थोड़ा सा पास रहनी पड़ेगी, लाइक इस वाले जंगल पे शायद रहने पे ना, क्योंकि यार ये इसकी ना एक रेंज होती है, अगर वो रेंज से ज्यादा दूर चला जाओ ना तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। मैं अपने सामान ले लेती हूँ, उसको तो वैसे ही मैंने बोला है कि मैं गरीब, वो मेरे को नहीं लगता कि वो लेगा भी मेरे पास आके, लाइक समझ रहे हो ना, मेरे घर में कुछ लेगा वेगा, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो को घर बनाने देते हैं झोपड़ी वगैरह और चलते हैं हमारे माइनिंग पे, लेट्स गो। लेकिन उससे पहले मेरे को अपने सामान लेनी पड़ेगी जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। वैसे भी ठंडी भी आ रही है ना, ठंड के मौसम में छींके वगैरह आ जाएगी। गाइस ये ना अपने घर के अंदर है और मुझे ना उसके घर पे ना सही से रेंज नहीं मिल रहा है। ओके, अभी भी अच्छे से देख पा रहा हूँ। ये यहाँ पे डाइनिंग में इतने टाइम से क्यों रुकी हुई है, कर क्या रही है भैंस की, मुझे जानना है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास सिर्फ आयरन आर्मर हो ही नहीं सकता। अगर हुआ ना ओनली, सही में गरीब हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं मेरा चैनल का नाम बदल लूंगा, हो ही नहीं सकता गरीब। इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा सामान है जो ये छुपा रही है, क्योंकि स्त्री का ये बेसिक नेचर है। वो बटन है ना, What? मैंने सही देखा क्या, यहाँ पे सीक्रेट डोर है। श्री ये सब कब सीख गई भाई बनाना, श्री ये सब कब सीख गई बनाना। ओए ये देखो वो अपने सीक्रेट बेस पे नीचे, ये सब वो कब सीख गई भैंस की। मैंने बोला ना भाई हो ही नहीं सकता कि उसके पास नॉर्मल चीजें, मैं बोला ना उसका हो ही नहीं सकता, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा भाई। मुझे वो जानना है क्या है, वो बहुत नीचे, अब मैं ना दबा के नीचे जा नहीं सकता। मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ क्या इसको, मैं थोड़ा सा देखूँ जरा। ये देखो सीक्रेट बेस मुझे दिखा, बट मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, जब ये निकल जाएगी तब मैं इसके सीक्रेट बेस पे ना जाने वाला हूँ। एंड धीरे धीरे इसके पास जो भी सामान होगा ना वो ना मैं चोरी करने वाला हूँ। चलो 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 चलो, मैं ना अभी इसके घर से थोड़ा सा निकल लेता हूँ एंड इस कैमरे से ना मैं देखता हूँ। रुको, यहाँ से तो श्री आएगी ना, ये वाला कैमरा कौन सा, ये है। ओके इसको चलते हैं, लेट्स गो। वैसे ही मैं तो गरीब हूँ ना, किसी को कहाँ पता कि इधर क्या है मेरे पास। और ये देखो ये आगे बढ़ रही है कहीं पे, ये देखो ऊपर आ चुकी है। What? नीदर आई डार पर। क्या चीटिंग है भाई, क्या चीटिंग है, देखा मैंने बोला ना, उसने बोला सिर्फ उसके पास आयरन आर्मर है। और ये कहाँ पे गई है, ये देखो ये माइनिंग जगह है, ये देखो ये माइनिंग जगह है यहाँ से। भाई साहब देखा गाइस, मैंने उसको बोला ना उसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो गरीब भाई हो ही नहीं सकते, दिस इज इम्पॉसिबल। नीदर आई डार मर भाई वो पहन के जा चुकी है। ओके 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 ओके, अभी मैं इसके घर के अंदर जाने वाला हूँ। ये ना माइनिंग पे गई है ना, सो यार मैं ना उसको देखता हूँ कि ये माइनिंग पे यहाँ पे क्या कर रही है। किसको क्या पता है मेरा क्या सीक्रेट है, मैं कैसी इतनी अमीर बनी, देख रहे हो सब दिखता है मेरे को इधर से इधर, क्या ब्लॉक्स है, कहाँ पे है डायमंड्स, और इधर है मेरे बहुत सारे, इधर बहुत सारे मतलब ओर की ब्लॉक्स देख रहे हो, और यही मेरी ताकत है कि मैं इतनी अमीर कि मेरे को ले लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं नहीं लूंगी, मैं अभी पूरा नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को वो फॉर्चून वगैरह मैं लेके आऊंगी उसके बाद, इसका तो मेरे को डबल मिलना चाहिए ना, इतना दिमाग लगाया थोड़ा तो डबल मिलना ही चाहिए मेरे को। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या कर रही है, और मैं बहुत ऊपर हूँ ना इसलिए ना मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, मुझे उसका सीक्रेट बेस का तो पता चल गया ना। मैं अभी ना माइनिंग एरिया पे जाने वाला हूँ, क्या कर रही है वहाँ पे, क्या छुपा रही है ऐसा। ओके मैं माइनिंग एरिया पे आ चुका हूँ, यहाँ से क्या मैं ये देखो अभी दिख रहा है ना, ये देखो ये सारे के सारे डायमंड्स, ओरे एंड वो उसको ऐसे करके क्यों छोड़ रही है यहाँ पे। हाँ मतलब वो फॉर्चून लगा के इसको तोड़ने वाली है। श्री तेरे साथ आज ऐसा स्कैम होने वाला है ना, ये दुनिया में ऐसा स्कैम शायद ही बहुत ही कम हुआ है। ओके सो यहाँ पे ये डायमंड छोड़ के जा रही है ना तेरे पास, नेदर डायमंड, तूने झूठ बोला है, इस बात का तो तेरे को खर्चा पानी देना पड़ेगा। ओके गाइस चलो 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 मैं निकल लेता हूँ, मुझे दिख चुका है मैं उसका ना वहां से डायमंड मैं चोरी कर लूंगा, क्योंकि वो वहां पे फॉर्चून एन्चेंटमेंट लगा के फिर तोड़ने के लिए आएगी, तो मैं तोड़ लूंगा भाई बाद में जब वो तोड़ने के लिए आएगी ना फॉर्चून लगा के, भाई क्या मजा आएगा। एंड चलो मुझे भी देखना है कि इसका ये डाइनिंग पे यहाँ पे जो भी इसने ये सीक्रेट बेस बनाई ये क्या बवासीर है, मुझे ये जानना है। यो व्हाट
देखो उसका आयरन आर्मर यहाँ पे रख के गई, नीदराइट पहन के गई, उसका खजाना देखो यहाँ पे। ओके गाइस, सो यहाँ पे ना मैंने एक और चीज किया जो कि यार ये तुम फोटो देख रहे हो, ये चीज ना मैं उसको दिखा के यार डराने वाला हूँ कि तेरा सीक्रेट बेस का रिवील हो चुका है, जो कि मेरे को दिख चुका है, बट उसको नहीं पता चलेगा कि मुझे ही पता चला है, बट वो सिर्फ सोचे कि ये कैसे हो सकता है। ओके 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 गाइस, लेट्स गो यहाँ पे चेस्ट में। ओके पिकैक्स, लेट्स गो। ओह शिट शिट, जल्दी से। ओ भाई स्ट्रीक कितनी तेज आई भैंस की मेरी तो। एक मिनट, मैंने इधर किसी का नेम टैग देखा, शायद कोई था क्या? नहीं यार, मेरा वर्म होगा, किसको पता लग रहा है इधर क्या है मेरे पास, है ना? कहां से निकल लेते हैं भाई, मैं पकड़ा जाता अभी सही में गाइस, मुझे वहां से इनविजिबल पोर्शन मिला था, मैं से निकलूंगा कैसे? व्हाट, ओ भाई उसने क्या दिमाग लगाया, ये देखो यहाँ पे ना पता नहीं चलेगा, ऐसे कोई ऐसे जल्दी से जाएगा ना उसको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि इसके नीचे इतनी बड़ी उसकी सीक्रेट वैसे। भाई क्या दिमाग लगाया उसने इस लड़की ने। सो यहाँ पे ना गाइज मैं काम करता हूँ, यहाँ पे फेंक के रखता हूँ ये फोटो, ये देख रहे हो तुम। ओके गाइज, ओके ये आ रही आ रही आ रही है, फटाफट से आयरन की चीजें पहन ले तो वो आ ना जाए। यार मेरे को भ्रम था क्या, सच में उधर कोई नहीं था? नहीं, कोई तो दिखा नहीं मेरे को। ये क्या गिरा हुआ है, ये क्या है? अरे ये तो मेरे सीक्रेट बेस का तस्वीर है, इधर कैसे? अरे तस्वीर आया कैसे? इस चीज का रिएक्शन, ओह माय गॉड, और भाई वो देख के सोचे कि यार मेरा ये चीज तो इतना सीक्रेट है, रिवील कैसे हो गया? लवाओ यार ये कैसे आ गया, कहां से आ गया, किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए ये चीज। भाई ये तो बहुत ही ट्रेजिक वाली चीज है यार, भाई ये सब रहने दो, इसको मैं यार जला दूंगी मैं इसको। तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से मेरी वो पिकैक्स उसको एन्चेंट कर लेते हैं, उसके बाद लाइक मैं माइनिंग पे चली जाए तो डायमंड्स भी ले लेते हैं। ये जो भी है तस्वीर, भाई कहां से आ गया? ये डायमंड यहाँ पे है ना, सो गाइस मैं ना ये डायमंड उसने फॉर्चून के लिए रोक के रखा है ना, सो मैं ना वो चोरी करके लेके जाने वाला हूँ। चलो मैं ना उससे जाके ना यहाँ पे मांगने वाला हूँ कि श्री मुझे ना प्लीज एक आयरन पिकेक्स देना, श्री उसी से आयरन पिकेक्स लेके ना उसका ही यार माइनिंग वाला डायमंड ना मैं चोरी करने वाला हूँ। अबे यार इसको अभी चाहिए। हाँ रुक, ओके इसको मैं दे दूंगी, मेरा वाला ही दे दूंगी। बाहर करूँ क्या? बाहर खतरा हो सकता है यार, इधर ही करते हैं। ये अभी आ भी रहा है मांगने मेरे पास, क्या है? अरे मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करो, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे देखूंगा ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। दिख रही है, दिख रही है, मुझे बाहर रख के तो क्या हो गया, मेरा नजर तेरे हर चारों तरफ है। ओके गाइस, इसने आयरन पिकैक्स दे दिया है मुझे, लेट्स गो, थैंक यू बाय। अभी मैं जाऊंगा ना, तू जा अंदर नुबड़ी। इसको जाने देते, फिर मैं माइनिंग एरिया पे जाऊंगी। भाई जा, क्या कर रहा है, मेरे को क्यों घूर रहा है? व्हाट गाइस, मुझे ना इसको कहीं पे भेजना पड़ेगा, आई थिंक ये भी फॉर्चून लगा लिया माइनिंग पे जाने वाली है, बट नहीं मैं उसे पहले जाके तोड़ लूंगा। ओए तेरे विलेजर के घर पे बहुत ज़ॉम्बी है, तो जाके बचा ले उन्हें, मैंने ये उसको बता दिया। तेरे विलेजर के घर पे बहुत ज़ॉम्बी है, विलेजर के घर में ज़ॉम्बी है, ये तो ज़ॉम्बी नहीं है, ये तो पिगलिंग्स है। बाय बाय। ओके ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो 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 चलो, अभी मैं जाके भाई तोड़ने वाला हूँ, जल्दी से स्पीड में भागो। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ। हेलो मैडम। ओ ये है ना सारे के सारे डायमंड, ये इसको डायमंड मिल गए इतनी जल्दी, इतनी जल्दी डायमंड कैसे मिला? उसके डायमंड हो गए गाय। ओके गाइस, ये देखो ये फोटो जहाँ पे डायमंड नहीं है, फोटो फेंक दिया मैंने। लेट्स गो, अभी निकल लेते निकल लेते निकल लेते। ओए मेरे पास एक और इनविजिबल है ना, वो यहाँ पे आ सकते क्योंकि वो माइनिंग पाएगी ना, और मैंने उसको झूठ बोल के भेजा था। लेट्स गो, मैं अभी ऊपर जाने वाला हूँ, ये देखो जस्ट मेरे बाजू से श्री नीचे गई। यार ये दरवाजा खोल के ही जाती हूँ क्या मैं, पता नहीं यार। हाँ मैंने कहा रखी थी मेरे एक... यार इधर ही तो था मेरा डायमंड। अबे तू भाई निकल निकल, अबे यार मेरे डायमंड कहाँ गया? अबे यार इधर ही तो था, ये इधर मैं ये क्या क्या फोटो है इसका? यार ये तो सेम वैसा ही फोटो है यार, यही तो वो जगह था यार जहाँ पे मैंने एक्सरे से ये देख के इधर मैंने ये देखो, ये टॉर्च भी मैंने इधर लगा के रखा है, ये तो मैंने एक्सरे से ही देखा था। भाई कहाँ कहाँ चला गया, ऐसे थोड़ी गायब हो
सकता है यार, मैंने यार इतने मुश्किल से ये फॉर्चून 3 का लाया था, कहाँ चला गया। एंड अभी वो नीचे गई है ना, अभी उसका अंडरग्राउंड का सामान भी पूरी की पूरी गायब होने वाली है। श्री लेट्स गो, सब चोरी होने वाली है अभी तो यहाँ से। लेट्स गो, सब तोड़ो सब तोड़ो गाइस, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। व्हाट, ये क्या है, एंड पोर्टल? भाई उसने कमांड से यहाँ से एंड पोर्टल बना के रखा है। भाई क्या लेवल की चीटिंग है भैंस की। आज तो भाई श्री को पूरा का पूरा मैं भिखारी बनाने वाला हूँ। यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे इतने सारे डायमंड्स, माय गॉड कहाँ चले गए। यार मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं, यार हर दरवाजे खुला कैसे है। शायद मैं भूल गई यार, हो सकता है यार मेरे भी दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। भाई ये है नेदरराइट आर्मर। नहीं 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 अभी नहीं लूंगा, पहले ये सारे के सारे मैं ब्लॉक्स तोड़ लूं। गाइस रीना रूम पे आ चुकी है, मुझे जल्दी से तोड़ के निकलना है यार, वो आ जाएगी यहाँ पे। यो गोल्ड का भी आर्मर, ये आर्मर भी ले लेता हूँ मैं। ओ नेदरराइट आर्मर भी मिल गया, बाय बाय श्री। एंड ले लिया ये फोटो भी मैंने, यस यस पूरा रूम खाली है। एंड बूम ले लो, चलो मैं तो निकल रहा हूँ इसके सीक्रेट वैसे। सीक्रेट वैसे गाइस पूरी चोरी हो चुकी है। डेब्रिस, ये कैसे हो सकता है? है मेरे सर्वर में हैकिंग अलाउ नहीं है, मेरे को लग रहा है ना उसने कुछ हैकिंग वैकिंग किया होगा। गाइस बोना जा चुकी है, नीचे जा चुकी है, मुझे देखना है उसको। मैं भी जाऊंगा उसके साथ, मैं भी जाऊंगा। मेरे पास टाइम कितना है, एक मिनट का है ना। अरे मेरे को रिप्लाई तक नहीं दे रहा है, मतलब इतना बड़ा हो गया, मतलब नेदर की क्या सामान मिल गई है, मतलब रिप्लाई तक नहीं दे रहा है। भाई इसका काज इसका हैकिंग में छुड़ाती हूँ, रुक जा। अके यार छोरो रहने दो, मैं काम करती हूँ, मेरे जो सामान है ना फिलहाल मैं अंडरग्राउंड के तिजोरी में उसको रख देती हूँ। अभी मेरे को पूरी रूम खाली है उसकी। What is that? कहाँ चला गया मेरे सारे? इधर भी तस्वीर है, ये तो यार मेरे सामान है, कहाँ चले गए? इतने सारे डायमंड तिजोरी मेरे खाली हो कैसे हो गए? अच्छी बात है मैंने नेदर शॉट मेरे पास है, और मैंने क्यों रखी खोल के नेदर की सामान यार, पता नहीं। फटाफट यार मेरे पास तो जगह भी नहीं, काम करती हूँ, जितने भी मैंने बुक्स उठाए मैं अपने दूसरे सिगरेट बेस में वो रख के आती हूँ। बस भाई मुझे पता चल गया उसके यहाँ से क्या क्या मिला है। गाइस तुम देखो एक बार, ओ माय गॉड क्या क्या मिला है। सो इसका और क्या है मुझे जानना है। गाइस ये देखो, ये यहाँ से आ चुकी है, ये सॉरी वन मोर सीक्रेट बेस। हेलो मैन, व्हाट आर यू किडिंग मी। सेकंड भाई एक और सीक्रेट बेस यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं, ये देखो ये अंडरग्राउंड में। ओके गाइस इसको ना बाहर रहने दो, मेरे पास टाइम कितना है, 3 मिनट का है ना। ओके 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 मैं थोड़ा इनविजिबल रहता हूँ। ओ माई गॉड इधर सब कुछ सुरक्षित है, ओ भाई साहब आई एम सो डैम लकी। ओके गाइस ये देखो ये ना यहाँ से बाहर आ चुके, चलो 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 मैं अभी घुसने वाला हूँ यहाँ पे। ओके यार मेरे इफेक्ट भी यहाँ पे हट चुके हैं। ओ ये देखो ये लीवर, यस एंड ये लीवर क्या करता है, ये बंद कर देता है। यहाँ पे क्या है, ओ ड्रैगन एग, हाँ नाइस इसका। चलो हम लोग ड्रैगन एग भी चुराने वाले है। तो मुझे क्या करना है, एक टॉर्च को ना मुझे इस हाथ पे लेना है। एंड गाइस फिर मुझे क्या करना है, जल्दी से तोड़ के ये करनी है एंड ड्रैगन एग, ये श्री देख के बहुत ज्यादा। ओके गाइस मैंने ड्रैगन एग चुरा लिया है, जल्दी से निकलो, जल्दी से भागो यहाँ से। इसको ड्रैगन एग कहाँ से मिल गया? भाई ये हैक क्या हो रहा है, ये हैकिंग कर रहा है क्या? मेरे को क्या यार, मेरे को तो अपनी जान नहीं, मतलब मेरे को अपनी तिजोरी बचानी है पहले। ओके लेट्स गो, फटाफट चलते हैं। ओए दरवाजे खुला हुआ है, मेरा एक काज लगा है ड्रैगन का, पर ये कैसे हो सकता है, इतने सारे सिक्योरिटी लगा हुआ है, इधर से करंट मारता है, भाई ऐसे कैसे लाइक हो सकता है यार, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है ये सब। यार ये कौन कर रहा है, कौन सा चोर है यार, कहां से देख रहा है ये। मैं लेता हूं नेदरराइट आर्मर एंड ना मैं अभी नेदर में जाके देखता हूं। ओके मैं नेदर में आ चुका हूं, और व्हाट ये क्या है, लैडर, ये लैडर कहां पे जा रही है? दूर दूर तक मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है कोई भी, तो फिर कहां से आ रहा है ये चोर, इसको पता कैसे लग रहा है मेरे सीक्रेट बेस के बारे में, और इंसेक्ट को इतना कुछ कैसे मिल रहा है? इसने शायद ना चोर बुलाया है मेरे घर, इसको मैंने बोला है ना कि तू करेगा तो तू बैन हो जाएगा, इसलिए किसी और को बुलाया है कि इसका नाम भी ना लगे और ये मेरे सामान भी चोरी कर ले, क्योंकि इंसेक्ट चोर का तो कोई है ही नहीं। फिट यार मेरे नेदर फॉर्म भी, यार मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गई, मेरे दो दो भाई, मेरे दो दो सीक्रेट बेस खत्म हो गए, मेरे नेदर का क्या हुआ होगा? ये तो आयरन गोलेम्स को मैंने इधर रखा तो है, बट चलो फटाफट ऊपर चलते हैं यार। सो ये वाला लैडर ना बेडरॉक के रूफ टॉप पे जा रहा है,
एंड ये मैं आ चुका हूँ। रोहित क्या है यहाँ पे? गाइस एक सेकंड, हम लोग ना चंक्स को बढ़ाते हैं। भाई मुझे तो ये गोल्ड फार्म लग रहा है, सही में ये गोल्ड फार्म है। ओए देखा गाइस कितना बड़ा गोल्ड फार्म बना के रखा है। श्री तूने बोला था ना कि मैं तेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता हूँ, तू नूब है। मैं मेरे औकात में रहूं, तेरे से डर के रहूं, तू देख तेरा ये गोल्ड फार्म का क्या हाल में करने वाला हूँ। ओह हियर्स सम गोल्ड मैन, आइए बेटे। एंड यहाँ पे स्लैश स्लैश गाइस मैं कमांड डालता हूँ, 100 मैग्मा ब्लॉक टू TNT। ओ अभी ये सब कुछ TNT से रिप्लेस होने वाली है गाइस। ओ माय गॉड, नीचे ब्लास्ट हो रहा है और कितना ऊंचा है गया। चले ही जा रही हूँ। मुझे उसके गोल्ड फार्म को ना यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। ओके, मैं कैसे करूँ, मेरे पास TNT तो है। okay, let's go. मैं ये जगह को पूरा यहाँ पे तबाह करने वाला हूँ। okay, guys, श्री देखो नीचे से आ रही है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ TNT को इग्नाइट एंड मैं फिर यहाँ से भागने वाला हूँ। बाय बाय श्री, बाय गाइस। मैं उसको क्या क्रॉस करके यार, नहीं, नो, अबे यार मेरे गोल्ड। ओ आसमान से हो रहा है गोल्ड की बारिश। मैंने चौपट कर दिया, भागो। ओ भाई उसका पूरा नींदर भी मैंने बर्बाद कर दिया। तुम सबने देखा वहाँ पे क्या हुआ गाइस? चलो मैं तो यहाँ पे जैसे तैसे करके आ चुका हूँ। श्री यहाँ पे तो आ चुकी है भाई लोग। ओ माय गॉड, ये सारे यार मेरे, ये भाई कितने मेहनत से बनाए हुए गोल्ड फार्म इधर बिखर गया पूरा यार, कितना बेकार सा यार आज का दिन। ये जब भी मैं उसको बुलाती हूँ ना तब भी ऐसा होता है, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। हैं ये क्या है, ये चलते हुए चीज क्या है? इसको तो तोड़ भी नहीं, ये तो मेरे घर में था ही नहीं, इसको तो मैंने देखा भी नहीं, कब से मेरे घर में यार, ये तो टूट भी नहीं रहा। एक सेकंड गाइस, ये कर क्या रही है यहाँ पे? ओह सीसीटीवी देख लिया इसने, तोड़ने जा रही है। भाई तोड़ ही नहीं सकती, वहाँ पे बैरियर ब्लॉक लगी हुई है नूब लड़की। यार ये तो टूट भी नहीं रहा, ये कहाँ से आ गई? घूमते वाली चीजें है क्या यार? मेरे घर में तो ये सब था ही नहीं, कहाँ से आ गया ये? तो भाई मेरे को कुछ अजीब ही लग रहा है। चलो 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 चलो, मैं उसके घर पे एकदम टॉप पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे हाय। ये क्या है भाई, नेदर की चीजें। ओके यार अभी मैंने श्री को ना ये चीज दिखा दिया, यार तेरे पास ये सब कैसे आया? तेरा है मेरा नहीं, ब्लॉक्स जाने पहचाने लग रहा है। ये तो तेरा है मेरा नहीं है, मेरा सही तक कहा भाग रहा है ये यहाँ से चोरी। यार शरम भाई तेरे को पता नहीं मैंने रूल्स क्या? अबे यार उतरता भी नहीं है ये, देख यहाँ से चोरी किया यहाँ से। मार देगा नहीं बैस की, वरना सब सामान लावा में डाल दूंगा। मारने का नहीं वरना सामान, नहीं हाथ जोड़ता हूँ, डालू लावा में। ये देख तेरे डायमंड, सब कुछ तो बर्बाद। फुल ब्लैक में, मुझे तेरा सामान वापिस चाहिए राइट? यस। इधर इमोजी क्यों नहीं है, दिल पे हंसती मैं इसको, किसी ने क्या है ये? ओए मार क्यों रहा है? इस कैमरे सब रिकॉर्ड होगा, तू देखो मैं तुझे तेरा सामान वापस कर दूंगा, लेकिन यस दे। तेरा जो लेकिन होता है ना वहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हो, तुझे तेरा ये सब प्रॉपर्टी मेरे नाम करना पड़ेगा। मैं तेरे को 2 डायमंड दे दूंगी, बैस की 2 डायमंड तू अपनी यार लड़की, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं इसकी। यार सारे प्रॉपर्टी मतलब बेस एंड ऑल, बदले में तेरा सामान। यार कभी जिंदगी में ऐसा घर तूने देखा है? कभी बनाया है जिंदगी में ऐसा? एंड यहाँ पे फिर मेरा रूल चलेगा।
और तुझे मेरे हिसाब से खेलना पड़ेगा। कैमरा प्लीज प्लीज कैमरा मेरे लिए अच्छे से काम कर, कैमरा यस अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड कर, ठीक है। मेरा घर चाहिए, शर्म नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, मेरे को अपनी चीजें लेने दो, पावरफुल होना दो, फिर दिखाती हूँ मजा इसको। मैं ना इसी से फटके मार के इसको मार देती, बट ये लावा में गिरा देगा, यही बात है। हाँ, तो मैं तुझे एक पेपर देता हूँ, उसपे साइन करना पड़ेगा तुझे, जैसे की प्रॉपर्टी पेपर, जिसपे साइन करना पड़ेगा की ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। यस लेट्स गो गाइस, यहाँ पे ये देखो प्रॉपर्टी वाली बुक आ चुकी है एंड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है एंड ना मैं यहाँ पे एक और स्कैम करने वाला हूँ। मैंने बोला ना कि ये प्रॉपर्टी के बदले में मैं उसको सारा सामान वापस दे दूंगा। अब देखो प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है ना, अगर तुम उसको फॉलो नहीं करते हो तो तुमको जेल भी हो सकती है। सो मैंने जो बोला है ना, अगर वो मैं उसका सामान वापस नहीं देता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, है ना, पुलिस वुलिस आ सकती है। सो मैं क्या करूंगा, इस पेज के ना बहुत ही लास्ट में जाने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, लास्ट पेज पे लिख दिया है साइन कर दे साइन बटन पे। दिखने से शक्ल से ही चोर है ये। मैं श्री मेरे जमीन एंड हाउस को इंसेक्ट वाइटी के नाम पे करता हूँ, अरे तो करती हूँ होगी, एंड इंसेक्ट वाइटी ने मुझे इसके लिए फोर्स नहीं किया है, सारा सर झूठ लिखा है इसमें, फोर्स किया है, मैं मेरी मर्जी से नहीं इसको दे रही हूँ, पर लिखा तो कुछ और है। सो आज से मेरा पूरा बेस इंसेक्ट वाइटी के नाम पे है, सब कुछ तो झूठ लिखा है, शर्म आ रही है तेरे को, जल्दी साइन कर। अबे यार कर रही हूँ, श्री बेचारी श्री मर्जी से दे रही है तू, चुप रहा है नूब लड़की, मर्जी से दे रही है साइन करो। तो आओ भाई अब तो लग गए श्री की, श्री को नहीं पता ना लास्ट पेज में मैंने क्या लिख के रखा है। ओ माय गॉड साइन कर दिया है, यस हम ये मेरे इन्वेंटरी पे आ जाए। यस श्री की तो अभी लग चुकी है भाई, श्री की अभी लग चुकी है, यस निकल जा और तेरे पास जो है वो भी दे दे। ये मेरा बेस है, निकल जा और तेरे पास जो है वो भी दे दे, ये बात तो नहीं हुई थी। ओके गाइस एंड मैंने इसका ना कॉपी बना लिया क्योंकि मैं भी अभी उसको बनाने वाला हूँ कि देख तूने पूरा बिना पढ़े इस प्रॉपर्टी पेपर को तूने साइन कर दिया है, जो कि लास्ट में वो चीज ना उसने नहीं पढ़ी है। तो अभी देखना कि भाई क्या मस्त रिएक्शन होता है, वो तो बोले कि मैं वाला चीज नहीं देने वाला हूँ ना, तूने बिना पढ़े पेपर को क्यों साइन किया। साइन कर दिया, मेरे पास इसकी कॉपी भी है, यो बटाई पढ़ा तो तूने ये बोल के साइन किया कि मेरे को सब कुछ देगी, उसके बदले में तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगेगी, विश्वास नहीं होता तो पढ़ ले, ये ले फिर से पढ़ ले नूब लड़की। तूने ये बोल के साइन किया कि तू मेरे से कुछ भी नहीं लेगी और मुझे सब देगी, कब कहा था ये लिखा, कहाँ लिखा था, और ये इसका तो 6 पेज है दो भाई, देखो 3-4 पेज में कुछ लिखा ही नहीं। बदले में मुझे इंसेक्ट वाइटी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं फ्री में उसको मेरा प्रॉपर्टी, भाई मजाक हो रही है यार, मेरे पास एक आइडिया है, ए वापिस दे पेपर मेरा, बैंस की टांग तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा, मुझे पता है ना ये नहीं देने वाली है, मुझे पता है। इसके पास तो ये नहीं होगा ना, मेरे पास ये पेपर है, मैं फटाफट से इसको फेंक देती हूँ। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, चल निकल। अच्छा मेरे से होशियारी, मेरे पास इसका 1000 कॉपी से, अब बता तू क्या करेगी, चल वापस कर, मेरे पास इसका 1000 है, 1000 कॉपीज, इतना शैतान है तू यार, शर्म भाई चोरी करते हैं तो पूरा एकदम 1000 कॉपीज बना कर चोरी करता है। अभी तो गाइस ये हार्डकोर वर्ल्ड है ना, इसको ना मैं खेलने भी नहीं दूंगा, निकल यहाँ से, अब तो तू गई, अब गई तू, अभी तो तू गई गई, लाल मार दिया ये है। एंड गाइस ये हार्डकोर है, वो कभी भी स्पॉन ही नहीं हो सकते। यस अभी ये पूरा प्रॉपर्टी पूरा जगह उसकी सारी ट्रेजर एंड ऑल सब कुछ मेरे नाम हो चुका। अगर यार तुम सबको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दे दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, और बताना कि तुम सबको ये आइडिया कैसा लगा। I mean, मैं थोड़ा सा बुरा हूँ बट ठीक है, इतना तो देखो चलता है। चलो गाइस तो चलो यार, मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।